On the occasion of the 50th birthday of Mr. Sanjay Mudaliar, I wish on my path many, many returns to you, my dear sir. I am very happy to hear that you are celebrating your birthday on 27th of December. On this occasion, I am extremely happy to be part of your celebration, may not be physically, but with prayers and remembrance. May God bless you as He has been blessing you in your life with good health and good mind in order to continue the responsibilities or the task you are having. And as I have been experiencing your connectedness with the school, always as an student and always ready to help the school and all the near and dear ones. And on this occasion, I ask God's favor and graces upon you and your family, and particularly your child Ashwin, who is the hope of your future in your life and in your family. Once again, many, many returns of the day, Mr. Sanjay Mudaliar. संजय भैया को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए ये छोटा सा गीत। ये है संजय मुदलियार, चार चीजों से इनको प्यार, मुर्गा मटन मोटर कार, म्यूजिक मस्ती है यारों के यार, दिल के हैं ये संत साधु, चलता इनका सब पर जादू, लेकिन किया अगर किसी ने कोई कांड तो बन जाते हैं जेम्स बॉन्ड। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे संजय भाई, एंड अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू डियर अश्विन फॉर इनवाइटिंग अस ऑन अ सच अ स्पेशल ओकेजन ऑफ द फैमिली, द 50th बर्थडे ऑफ संजय, ऑफ अ पर्सनालिटी हुम वी ऑल एडमायर थ्रू आउट आवर लाइफ। His personality is such कि क्या कहें, जो एक बार इनसे मिला वो इन्हीं का होकर रह गया। इंसानों की तो छोड़िए, कार भी मिलती है इनसे तो इन्हीं के होकर रह जाती हैं। संजय भाई की personality ऐसी है कि इनमें एक कोई खूबी हो तो कोई गिनाए, लोगों की मदद करनी हो तो इनसे सही का मददगार पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। आप एक बार संजय भाई को कोई चीज कहिए, अपने सारे काम छोड़ के आपकी मदद में लग जाएंगे। रहा सवाल केयरिंग का, तो वो इनके नेचर से ही पता चलता है, सच एनिमल लवर, ही लव्स एनिमल सो मच कि आपको क्या बताऊं, एवरीवन नोज अबाउट हिज एनिमल लव। और इनकी केयरिंग की जो आदत है वो तो हम सब जानते हैं, जिस तरीके से ये पुरानी कारों को नया करके प्रिजर्व करने में बिलीव करते हैं, उसी तरह पुराने रिश्तों को ये अपने साथ जोड़ के निभाने में भी बिलीव करते हैं। अक्सर तो इनकी मेरी मुलाकात जो है या इनका कम्युनिकेशन जो है जब भी होता है, तो मैं समझ जाता हूँ कि किसी ना किसी के लिए संजय भाई को मेडिकल एड की जरूरत है। और विश्वास जानिए, कभी भी इन्होंने अपने लिए आज तक के कभी मदद नहीं मांगी। संजय भाई का फोन आएगा, डॉक्टर साहब एक मेरा बहुत परिचित आदमी है, उसको इस ब्लड ग्रुप की जरूरत है या इसको इस डायग्नोसिस की जरूरत है, एंड आई कैन मेक आउट कि ज़्यादातर लोग जिनके लिए संजय भाई मदद मांग रहे होते हैं वो इनसे डायरेक्टली एफिलेटेड नहीं रहते, डायरेक्टली एक्वेंटेड भी नहीं रहते, किसी के थ्रू आते हैं और संजय भाई पूरी मदद उनकी करते हैं। इनसे एक और भी रिश्ता है हम लोगों का, स्पेशली मेरा, ये मेरे स्कूल के जूनियर हैं और कैंपियन ओल्ड बॉयज एसोसिएशन में एक एक्टिव मेंबर भी है, अपने बैच के ये कोऑर्डिनेटर हैं। और उस कोऑर्डिनेशन का कारण ये नहीं है कि ये कैंपियन, इनका पूरा बैच इनके आसपास रिवॉल्व करता है, और कैंपियन का ही नहीं, इनके कॉलेज का भी, जिस कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है, पूरे कॉलेज का जो इनका बैच है
उसकी गेट टुगेदर करना, लोगों को जोड़ के रखना, इनकी एक आदत है और यही आदत इनको हम सबसे अलग रखती है। इस शख्स को लोग वाकई बहुत चाहते हैं और हम लोगों में ये एक बहुत अजीज इंसान है। और ये सारी आदतें, एनिमल लव हो, कारों के प्रति प्यार हो, लोगों को जोड़ के रखने की बात हो या लोगों की मदद करना हो, ये सब इनके परिवार की देन है, इनकी परवरिश की देन है। इसमें बहुत कुछ आंटी और अंकल का हाथ होगा और ये एक अपने में ऐसी शख्सियत हैं जो हम सब में बहुत प्यारे हैं, बहुत हम लोगों से लगाव है। और मैं इस इनके 50th बर्थडे पे बस इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। विश हिम अ वेरी लॉन्ग हेल्दी एंड पीसफुल लाइफ। साल भर में सबसे प्यारा होता है एक दिन, सौ दुआएं दे रहा दिल तुमको आज के दिन। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. ये रंग लाए मेरी मन्नते, तेरी सभी हसरतें, सारे जहां की खुशी हो तेरी, अब तो यही आरज़ू है मेरी। एक इशारे पे तेरे मैं जा लुटा दूंगा, तेरे ख्वाबों को हकीकत मैं बना दूंगा। I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. I wish you happy happy birthday, happy birthday, happy happy birthday to you. संजय भाई, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। भैया खूब खूब जियो, खूब खूब मजे करो भाई। आपका 50वां साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो बचपने से अपनी दोस्ती चली आ रही है भाई साहब, ऐसे ही चलती रहे, बढ़िया रहे, मस्त रहे। थैंक यू भाई, ऑल द बेस्ट, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। जन्मदिन मुबारक हो। अरे साहब, पार्टी वार्टी कहाँ पे है? खैर, पार्टियों के तो तुम बादशाह हो, फिर कभी लेंगे आपसे। चल ब्रेडी, हैप्पी बर्थडे। संजय भाई, संजय भाई को आज जितने लोग जानते हैं वो सबको मालूम है कि संजय भाई के बहुत बड़ा ग्रुप सर्कल है। उनकी दोस्ती यारी बहुत, मतलब बहुत लोगों को वो पहचानते हैं। अब मैं ये बात कहूँगा कि संजय भाई जो है ये स्कूल टाइम से ही बड़े पॉपुलर रहे हैं। स्कूल टाइम में भी उनकी दोस्ती यारी, मतलब
हर आदमी संजय भाई का इंतज़ार करता रहता था। उनमें वो पकड़ है, उनको वो समझ है कि दोस्तों को क्या लगता है, क्या चाहिए रहता है एक अच्छा दोस्त बनने के लिए। तो संजय भाई हमेशा से ही पैदा इसी ही कहूँगा मैं कि ये उनमें गुण है दोस्तों को पकड़ के रखने का। स्कूल टाइम के बाद बहुत दिनों बाद मेरे को कहीं हम शायद स्कूल के ही फंक्शन में मिले थे, और फिर उस दिन तो बहुत सारे दोस्त थे तो इतनी कोई ज़्यादा जो हमारा रीयूनियन हुआ उसमें ज़्यादा मुलाकात ज़्यादा चर्चा तो संजय भाई से नहीं हो पाई थी। पर मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मेरे एक जीजा जी औरंगाबाद से आए थे और गाड़ी से आने में उनकी सफारी को कोई तकलीफ़ हुई थी। ऐसे 5:30 बज रहे थे और मैंने संजय भाई को फ़ोन लगाया तो संजय भाई ने कहा कि यार बस जाने का टाइम हो रहा है, तुरंत भेज दो। तो मैंने जीजा जी और ड्राइवर उनके चले गए और संजय भाई ने बड़े तुरंत फुरन में मदद करी। मतलब एक स्कूल से हम छूटने के बाद 15 साल बाद करीब करीब मोटा मोटी पहली बार बात करी होगी और संजय भाई ने उसी गर्म जोशी से मेरी मदद करी, है ना। और वो दिन के बाद से करीब हम 7-8-10 साल से तो बहुत बार मिल लिए हैं और संजय भाई बोले कि घर में पार्टी याद आती है संजय भाई के घर की, है ना। तो संजय भाई जन्मदिन बहुत ज़ोर शोर से मनाओ। ये मैं वीडियो जो भेज रहा हूँ ये बेसिकली अश्विन की देन है और मैं अश्विन को थैंक यू कहना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से। और भाई आप अपना 50वां जन्मदिन बहुत ज़ोर शोर से मनाओ, घर परिवार वालों के साथ मनाओ, और आपकी पार्टी तो कहीं जा नहीं रही है, आप ज़रूर पार्टी हमको फिर से देंगे। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे संजय डियर। हैप्पी बर्थडे संजय, हाउ आर यू? हैप्पी बर्थडे टू यू, टू योर फैमिली, टू चाची, टू आरती एज वेल एज टू अश्विन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय वेरी गुड फ्रेंड, यू आर ऑलवेज देयर फॉर मी, आई नो दैट। एंड राइट फ्रॉम बाजी'स वेडिंग आप साथ रहे, अस्मा की वेडिंग में पूरा काम किया आपने, यू आर देयर इन शैलाज वेडिंग ऑल्सो, आई रिमेम्बर एवरीथिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर बर्थडे, बाय, गॉड ब्लेस यू। संजय भाई, विश यू अ वेरी हैप्पी 50th बर्थडे भाई, टाइम रियली फ्लाइज। आई स्टिल रिमेंबर द डे 1998 when we first time met under the Bodhi tree। हम लोग तो सिर झुका के सीनियर्स के सामने खड़े थे, वहाँ से एक लड़का आया शायद रिक्शे में डेनिम की जैकेट पहन के। सीनियर भी कन्फ्यूज हो गए कि पता नहीं फर्स्ट ईयर का है कि कोई और है। खैर ऐसे ही चलता रहा और फिर 5-4 साल तो आपकी स्टोरीज इतनी सारी थी वहाँ पे कि उसी में गुजर गए और हमारी दोस्ती बढ़ती चली गई। कई बार हमने भोपाल चक्कर लगाए साथ में। एक बार तो आपने भोपाल के गुरुद्वारे से मेरे को कुछ सामान दिला दिया था भाई, याद है क्या आपको? और वो देख करके मेरे पूरे घर वाले परेशान हो गए थे कि क्या सामान ले आए हो। और ऐसे ही हम पढ़ते गए सर। खैर एनीवे आपसे यार बहुत कुछ सीखने को मिला हमको, आपकी रेजिलियंस, आपकी स्पिरिट, आप कितना भी ऑड परिस्थिति हो उसमें से निकल के आना और फिर भी हंसते रहना, सबकी मदद करते रहना भाई, ये सब कुछ आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और इतने साल में आपको कभी मैंने दुखी उदास नहीं देखा, हमेशा हंसते हुए मुस्कुराते हुए, और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ ये पूछते हुए पाया है। ये बहुत बड़ी सीखने की चीज़ है सर आपसे। बस आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चमकते रहिए सितारों की तरह सर, और अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और बहुत अच्छी आपकी हेल्थ रहे आगे वाले सालों में। और फिर अगला वीडियो हम भेजेंगे आपके 75वें जन्मदिन पे। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, बाय बाय। हाय हाय संजय दादा, आज आपका 50वां जन्मदिन है। आपके अर्धशतक पूर्ण होने के अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप स्वस्थ एवं सुखी रहें, यही परमपिता परमेश्वर से मैं कामना करता हूँ। आपकी और हमारी मित्रता कब और कैसे हुई ये तो मुझे ध्यान नहीं,
परंतु रीवा से आज 31 वर्ष बाद भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने हुए हैं। इसमें आपके दो कारणों से हम आज अपनी मित्रता को निभा रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि आपको बहुत खुशी मिलती है कि सारे दोस्त इकट्ठे हों, मिलें, बैठें, बात करें, और आपके इस जज्बे की वजह से पिछले 3 बार हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए। उस आपके जज्बे के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और दूसरी बात यह है कि आप हमेशा दूसरों का काम बहुत सहजता से करते हो। भोपाल में जब भी किसी को कोई भी काम हो वो आपको याद करता है, और याद इसलिए करता है क्योंकि आप उसके काम को अपना काम समझकर करते हो। इन दो बातों के कारण आज हमारी मित्रता इतनी प्रगाढ़ है। दादा, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आप सुखी और समृद्ध जीवन जिए, दूसरों का भला जो आप हमेशा करते आ रहे हो करते रहें, यही मेरी इस अवसर पर कामना है। आप अपना शतक पूरा करें और लोगों की मदद करते रहें, यही मेरी परमपिता परमेश्वर से कामना है। तुम जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000 मेरे मित्र। हैप्पी बर्थडे डियर दादा, बहुत बहुत बधाइयाँ हाफ सेंचुरी पूरा करने के लिए। और क्या ही सुंदर थॉट है यार अश्विन, थैंक यू वेरी मच ये सरप्राइज दादा को देने के लिए। आई एम श्योर दादा कुछ ही समय में तुम डॉक्टर अश्विन और म्यूजिशियन अश्विन के फादर के रूप में ज़्यादा जाने जाओगे वर्सेस दिस दादा टैग विच यू आर गिवन टू यू। एज यू नो आप हमारे नेचुरल लीडर हो, जब से हम मिले हैं भाई भोपाल हाउस से शुरुआत हुई थी हमारी मुलाकात की, और थ्रू आउट द कॉलेज बहुत सारी गतिविधियां हमने साथ साथ की जिनका वर्णन इसमें करना मुश्किल इतना आसान नहीं है क्योंकि बीइंग ए फैमिली चैनल हमने ट्रेन में बस में बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं साथ में। दादा बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ आप में हैं, प्लीज़ कंटिन्यू विद देम। सबसे बढ़िया तो भाई मद्रासी होकर इतनी अच्छी और शुद्ध हिंदी बोल लेना, कमाल है भाई। मैंने तो आज तक ऐसा मद्रासी नहीं देखा भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां इस चीज़ के लिए। दूसरा, हम सबको जोड़े रखना एक साथ थ्रू दिस गेट टुगेदर, एंड व्हाट अ गैदरिंग बस, व्हाट अ फाइन एंड नाइसली एंड डिटेल्ड प्लानिंग फॉर होल्डिंग दिस गेट टुगेदर। रियली मैं बहुत बहुत इसके लिए भी आपको बधाइयाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई, आप जो है कितनी भी परेशानियों में रहो खुद, बट हमेशा दूसरों की हेल्प के लिए तैयार रहते हो। मैंने खुद आपकी बहुत सारी बार हेल्प ली है और बहुत बार आपको बॉदर किया है। इस बार मैं कोई गाड़ी नहीं भेज रहा हूँ भाई दिसंबर में रिपेयर के लिए, और इस बार अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी नहीं आ पा रहा हूँ भोपाल आपसे मिलने के लिए। तो प्लीज़ हैव अ ग्रांड सेलिब्रेशन एट योर एंड, एंड प्लीज़ डू कंटिन्यू। थैंक यू दादा वंस अगेन, थैंक यू अश्विन फॉर दिस दिस गेस्चर, एंड दादा हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू यू। साइनिंग ऑफ मनीष। हेलो संजय, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इट इज़ इंडीड अ प्रिविलेज टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू हु इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प अदर्स। और इसी बात से मुझे एक इंसिडेंस याद आता है कॉलेज टाइम्स का, जिसमें तुमने लोगों की काफ़ी हेल्प की थी। एक बार कॉलेज में क्विज कॉम्पिटिशन था और उसमें पहला राउंड एक रिटन टेस्ट था। रिटन टेस्ट का रिजल्ट जिस दिन डिक्लेयर होना था, तो हम लोग कॉलेज में आई थिंक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के किसी प्रोफेसर ने कंडक्ट किया था, तो उनके रूम तक गए। वो अपने रूम से बाहर निकल रहे थे और उन्होंने कहा कि कॉपीज़ तो चेक हो गई हैं, बट एक बार फिर से चेक करके तब मैं उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करूँगा। और अपने फ्रेंड्स में उस वक्त उस क्विज़ में जो पार्टिसिपेट किए थे उसमें एक अभिनय आर्मस्ट्रांग था, और हम लोगों ने प्लान किया था कि अभिनय, मैं और आई थिंक 3 लोगों का एक टीम होता था, तो वी विल बिकम बी अ पार्ट ऑफ वन टीम। और उसने जब बोला कि यार ऐसा करते हैं कि चलो हम लोग नंबर देख लेते हैं, और तुम भी वहाँ पर थे, तुमने कहा ठीक है जाओ देखो। और उसके बाद अभिनय ने बोला कि यार कुछ नंबर कम हो रहा है तो इसको सही कर देते हैं। बट वो जो रूम था वो बिल्कुल ऐसी जगह पर था जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आती हैं और कोई भी आ सकता था। तो तुमने बोला कि यार कोई टेंशन नहीं है, मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ और अभिनय तुम
कर लो अपना, चेंज कर लो आंसर्स। अभिनय ने जाके चेंज किया, जब वो चेंज कर ही रहा था और भी स्टूडेंट आ गए अपने बैचमेट्स वगैरह जो रिजल्ट के लिए आए होंगे, तो तुमने उनको बोला कि देखो अभिनय कर रहा है अभी अपना सही, और तुम लोगों को भी जिसको जिसको सही करना है कर लो, मैं यहाँ देख रहा हूँ। और ऐसे करके काफ़ी देर तक तुमने स्टूडेंट्स की हेल्प की। फाइनल में क्या हुआ कि ये रिजल्ट ये आया कि उस साल क्विज कंपटीशन नहीं हुआ, क्योंकि जब दोबारा कॉपी चेक की गई रीचेकिंग में तो सबके नंबर बदल चुके थे। तो सर ने सोचा हुआ एक बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी रिजल्ट डिक्लेयर करने में, तो लेट इज बेटर स्क्रैप द क्विज इटसेल्फ। सो दैट नेचर इज स्टिल देयर, बट ये है कि उस समय फन और मस्ती वाला माहौल हुआ करता था। और आज मैं देखता हूँ स्पेशली यहाँ भोपाल आने के बाद मेरा इंटरेक्शन बहुत तुमसे ज़्यादा हुआ, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू। मुझे सेटल करना बहुत ईजी हो गया बिकॉज यू वेर देयर। सो तुम्हारा जो नेचर है सबको हेल्प करना, टू ब्रिंग पीपल टुगेदर एंड टू ब्रिंग पॉजिटिविटी, वो बहुत बड़ी बात है, वो सब में नहीं मिलता है। सो आई वंस अगेन विश यू दैट यू ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ एंड गुड लक फॉर एवर। चीयर्स। डियर संजय, जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। तुम्हारा सबसे जुड़े रहना और सबका ख्याल रखना तुम्हें बहुत ही विशिष्ट बनाती है। अपनी विशिष्टता बनाए रखना। बहुत बहुत एक बार पुनः शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे। हाय संजय, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। When Ashwin asked me to say something about our relationship for last 4 years in 4 years in engineering college, and later in 1 minute, I said it is impossible to describe those things. Hostel days are like home, and we all live like brothers. You can't have relation, you can't have memories with your brothers which can be described in 1 minute. But definitely in 1 minute, I can say here is a big thank you to you. That because of your perseverance and dedication and interest, that we all batchmates are able to meet every 2 years and relive our memories. Secondly, you have not changed a bit in your appearance, and I find you a lot more positive person. You've grown into a lot more mature and positive person. So I wish you all the best for your future, and may you remain the same old Sanjay as you are, and we enjoy many more get-togethers with you in Bhopal in years to come. Cheers. Once again, many happy returns of the day. Thank you. Hi Sanjay, आज जब तुम्हारे बेटे का फोन आया, I was presently surprised कि आज हम इतने बड़े हो गए कि हमारे बच्चे हमारे लिए बर्थडे मना रहे। क्या कहूँ तुम्हारे बारे में? कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि यू हैव टू सेंड इट टू योर सन। तो सारी बातें नहीं खोलते, सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि जब मैं पहली बार तुमसे मिला, आज भी याद है, पतला दुबला लंबा सा लड़का जो हर एक की मदद करने के लिए तैयार है, हर समय साथ चलने के लिए तैयार था, और ख़ास करके फट्टों में तो पंगों में तो जान भी हाजिर है वाला काइंड ऑफ दोस्त। स्टिल रिमेंबर यूअर पार्टनर ऑफ दीपक हरदास मलानी, और तुम और वो कोने वाले कमरे में रहते थे, सबसे लास्ट हॉस्टल वाले कमरे में, और जब भी जाओ तुम्हारे रूम में एक महफिल बनी रहती थी। चुंगी नाके पे तुम्हारा वहाँ बैठना और सब पे कमेंट करना, और फिर चंदों में या किसी भी बवाल में सपोर्ट करना, तुम्हारी एक अलग ही पहचान थी। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि हम सब तुम्हें जानते थे कि वर्द लाजन मुर्दिलियार से रिश्तेदारी वाला ये लड़का, कुछ टाइम तक हम सब तुमसे खौफ खाते थे, पर बाद में पता चला कि ऊपर से ये पत्थर सा दिखने वाला बंदा अंदर से मोम है। और तुम ने जो सबसे बड़ा काम किया कॉलेज के बाद आके, वो सबको एक बार मिलाया, इससे बड़ी बात क्या है? और हर समय तुम लगे रहते हो कि सबको मिलाने के लिए। संजय, हेड्स ऑफ टू यू, और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है कि आज तुम्हारे बेटे तुम्हारी फैमिली आर सेलिब्रेटिंग, एंड आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड मे दिस
बर्थडे ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस. हैप्पी बर्थडे अगेन. गुड बाय. गुड लक. हेलो संजय, हैप्पी बर्थडे. आई होप यू आर एंजॉयिंग योर डे. और अश्विन ने बोला था कि कुछ यादें शेयर करें तुम्हारे साथ. अब यादें तो बहुत सारी हैं, भोपाल की, रीवा की. और एक याद है अपन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट विन हुए थे टूर्नामेंट फुटबॉल का और तुम अपने गोली बने थे. तो तुम्हारा फाइटिंग स्पिरिट याद आया तो सोचे शेयर करें. तो बस यही है अपनी जर्नी. चलो एंजॉय योर डे. हैव अ नाइस डे. मैं 30 साल पुरानी बात अगर याद करता हूँ कॉलेज डेज में, तो संजय भाई को हर जगह पाता हूँ सिवाय पढ़ाई लिखाई की चीज़ों के. उस समय संजय हर जगह हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा टच हमारा नहीं होता था. मैं करीब आफ्टर गैप ऑफ 25 ईयर्स आई मेट हिम इन भोपाल 2015-16 में. तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड कंप्लीट डे. ही टुक मी टू हिज होम, इसके बेटे से मिला. और आई रियली अप्रिशिएट कि जिस तरह से इसने अश्विन के पैशन को सपोर्ट किया. आई फाउंड हिम इन ए इंटायर डिफरेंट अवतार. अदर संजय भाई को एक बिल्कुल अलग रूप में देखने का मौका मिला. और इतना केयरिंग फादर, एक वेरी गुड फैमिली मैन. और एक नए बिजनेस में जिस तरीके से संजय को देखा भी, रियली फाउंड हिम इन ए डिफरेंट. ही वॉज ऑल टूगेदर डिफरेंट मैन व्हाट वी न्यू अबाउट हिम. यू टेक केयर योर सेल्फ. टेक केयर संजय. विश यू गुड लक. हैप्पी बर्थडे. हेलो संजय भाई, इट्स मोर देन 32 ईयर्स ऑफ आवर फ्रेंडशिप. तुम्हारा सपोर्ट सिंस द बिगनिंग ऑफ आवर कॉलेज लाइफ. जब तुम्हारे सपोर्ट के दम पे हम लोगों ने जाके एक श्रीमान जी की धुलाई की थी, या आज भी तुम्हारे ही सपोर्ट से हमारी जो गेट टुगेदर हो रही हैं रदर आई विल से, सभी गेट टुगेदर्स जो तुम सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहे हो और हम सबको एक साथ बांध रखा है. और यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स टेकिंग पेन्स बिकॉज यू लव डूइंग ऑल दोज थिंग्स एंड यू डू इट वेरी जनरसली. सो वी प्रे दैट हमारा साथ ऐसे ही बना रहे ऑन योर दिस डे. Me and my family wish you a very happy and very fantastic 50th birthday. May God bless you, and we wish that the next 50 years of your life are more wonderful, full of good health and full of happiness. Happy birthday once again. Sanjay, wish you a very happy 50th birthday. 50वें जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं. You are a born leader, a motivator, a very good organizer, and above all, you are Yaro ka Yaar. So remain as it is. Again, a very happy birthday. Thank you. Sanjay bhai, wish you a very happy birthday on your silver jubilee birthday. Aap to Yaro ke Yaar hain, doston ke dost hain. You are very good team leader. Aapko janmadin ki bahut bahut badhai. Hey Sanjay, happy 50th birthday. It's been almost 32 years since we have known, and I still remember the first time we met at GEC in Riva. It's been a pleasure knowing you all these years, and thanks for everything you're doing to keep the classmates together and setting up all those get-togethers. And I just feel like one of these days I gotta be there and have fun with all you guys. But for now, happy birthday to you. And enjoy your time with family and friends. And I wish you a lot more years of happiness and joy ahead for you. Take care. Bye. Sir, आपको 50वें जीवन के 50वें वसंत पूरे करने की हार्दिक शुभकामनाएं. जहाँ तक आपकी पहली याद है मुझे, जब हम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा करते थे, तो एक बार हमारे सीनियर्स और आपके जूनियर्स, हॉस्टल के जूनियर्स, हम प्रिटी में रहते थे तो हमें घेर कर हॉस्टल ले गए थे रैगिंग करने के लिए. जब हॉस्टल में हम पहुंचे तो गेट पर ही आपसे मुलाकात हुई और आपने
हमारे सीनियर्स को ये कहा था कि ज़्यादा परेशान मत करना, वो पहली इमेज आज भी वैसे ही दिमाग में हमारे अंकित है। और उसके बाद तो हमारा संबंध नहीं रहा, टूट गया था। लेकिन जब मैं राजीव से बहुत कुछ सुना करता था आपके बारे में, पर जब मैं भोपाल आया तो जो कुछ राजीव कहता था अक्सर सही पाया। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे बड़े भाई हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, धन धान्य से परिपूर्ण रखे। सर नमस्कार। संजय सर के साथ में आई थिंक आई शेयर अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनल बॉन्ड। ही हैज बीन लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी सिंस माय कॉलेज डेज, नॉट जस्ट टू मी, फॉर द एंटायर हॉस्टल आई वुड सपोज। हर किसी के लिए संजय सर का, ही हैड हिज डोर्स ओपन फॉर ऑल ऑफ अस, हॉस्टल डोर्स, होम डोर्स, यू नो। आई स्पेंड वेरी गुड टाइम्स विद हिम, इंक्लूडिंग हिज फैमिली। May God bless him. And there was something really, you know, unique about him. He was doing electrical, but his knowledge in the mechanical engineering was too good. And it was through him that I got interest in biking, bikes, engines, auto. And I thought he'll like, you know, he will continue the family business of electrical manufacturing. But somewhere I knew that, you know, he will eventually end up in the auto industry. And that's what he did. Sanjay sir, I wish you all the best. Best of health, best of life, all the happiness. Mm-hmm. You have a lovely family. Your son, an amazing pianist. May God bless him, Ashwini, Ashwin. A very nice bhabhi. And of course, bahut hi achhi auntie. She also holds a very close place in my heart. So sir, wish you a very happy birthday and all the success, all the best of health. Bye. Hello Sanjay bhai, many many happy returns to the day. 50th birthday ki bahut bahut shubhkamnaye. Bhagwan kare aapki umar bahut lambi ho aur aise apan bahut sare birthday aapke celebrate kare. Well, bahut sari yaadein hain aapke saath. स्कूल टाइम में अपने टाइम स्पेंड किया, कॉलेज में क्रिकेट खेला करते थे, बट्टे चले सर की कोचिंग जाते थे साथ में, वहाँ सबसे पहले क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लेते थे और उसके बाद सबको परेशान करते थे, खासकर बट्टे चले सर। बाइक का शौक शुरू से रहा था तुम्हें और आई थिंक मेरे ख्याल से भोपाल के अपन को हर कोना जाना है बाइक से। शाम को सुबह कभी भी निकल गए भोपाल के चक्कर लगा रहे हैं बाइक से, कभी कोई फिजा जाना, कभी न्यू मार्केट, बोगदापुल के पास वाला गुरुद्वारा, वो तो याद होगा अच्छे से। कॉलेज डेज की बहुत सारी यादें हैं जो साथ में स्पेंड किया अपने टाइम। क्रिकेट टीम में थे कॉलेज की, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की टीम में मैकेनिकल के साथ अपन ने फाइनल्स खेला था, तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उस मैच में। बहुत सारी यादें हैं और भगवान करें ऐसी अपनी आगे भी बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज बने साथ में। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। हाय इकबाल दिस साइड, फाइंडिंग अ पर्सन हु इज ऑनेस्ट, अंडरस्टैंडिंग, लॉयल इज अ रेयरिटी इन दिस वर्ल्ड। यू आर वन ऑफ दोज person and our bond of friendship make me proud. You are a person who is always there, pupil in need, a kind soul, a perfect friend and dedicated family man. Happy birthday. I hope that you are always questioned when once day you would start using your senior citizen discount, because your young and fresh looks, energy level would continue to defy your age. Happy friend, हैप्पी बर्थडे मेट, चीयर्स। संजय भाई, मैं कुछ बातें और कुछ वो दिन मैं आपको आपके साथ उनको बांटना चाहता हूँ आपकी इस 50वीं सालगिरह पर।
जिन दिनों की ये बात है, हम आप रीवा से, रीवा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग करके आए थे और मैंने भी नया नया बीएचएल ज्वाइन किया था। ये उन दिनों की बात है जिन दिनों हम करीब करीब मतलब 24 घंटे हम लोग साथ में खाते थे और सोते भी थे एक साथ ही, और ये के घूमने जाते थे अपन हमेशा हमेशा, मतलब अपन एक साथ ही एक टाइम अपना ऐसा निकला कि अपन 24 घंटे जिसको कह सकते हैं कि मतलब ऑफिस जाना और ऑफिस जाने से जो भी ऑफिस से भग के आ जाना, उसके बाद फिर अपन दोनों का साथ रहना। और जिन दिनों में लोग टीटनगर कभी कभी जाया करते थे, उन दिनों में आप और हम टीटनगर के दो चक्कर लगा लिया करते थे। और आपको ध्यान होगा कि एक पन्नालाल एसपी ट्रैफिक में आए थे और उन्होंने ट्रैफिक को बड़ा टाइट किया था और पुलिस डिपार्टमेंट को एक 100 यामाहा आरएक्स 100 उनको पुलिस पेट्रोलिंग के लिए पुलिस को दी हुई थी और अपने पास 350 हुआ करती थी, और अपन जानबूझकर रेड लाइट क्रॉस किया करते थे, और रेड लाइट क्रॉस करने पर जब वो अपना पुलिस वाले अपना पीछा किया करते थे और जब वो बहुत करीब आ जाता था तो मैं आपसे कहते थे संजय भाई स्पीड से निकलो, स्पीड से निकलो, वो पुलिस वाला आ गया पीछे, तो आप कहते थे कि अभी उसको आने दो आने दो, और वो जैसे ही पास आता था तो अपनी पावर और स्पीड वाली बाइक से अपन बहुत दूर निकल जाया करते थे। और अपना एक दूसरा इंसिडेंस मुझे याद है और आपको भी ध्यान आ जाएगा कि जब आपके कोई फैमिली फ्रेंड्स को कॉलेज में एडमिशन लेना था, उनके लिए अपन को एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना था, और अपन दोनों अपने बाइक से 10 नंबर के में गए जा रहे थे और अपन ये देख रहे थे कि कोई डॉक्टर मिल जाए, तो अपने को एक घर पे एक नेम प्लेट उसका डॉक्टर का दिखा, और अपन दोनों जब अंदर गए और अपन ने डॉक्टर से कहा कि हमको इस तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, तब डॉक्टर ने अपने को बिठाया और अपने को चाय और बिस्किट उसने दिया और अपना सारा दो दो सर्टिफिकेट उसने अपने को बना के दिए, और बना के देने के बाद जब उससे चार्ज पूछा तो उसने 250 ईच अपन से उसके पैसे मांगे। तब आपने उससे कहा कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है और हमारे पास तो 100 रुपीज़ ही हैं, तब डॉक्टर ने कहा कि वो इससे तो अच्छा है कि आप इसको फ्री में ले जाइए, तो आपने वो सर्टिफिकेट हाथ में उठाए और उसको थैंक यू बोल के, और जब अपन जाने लगे तो डॉक्टर अपने पीछे पीछे दौड़ गया है और उसने बोला कि मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा, तो आपने उससे बोला कि ये पुलिस में आप कंप्लेंट करेंगे तो फंसेंगे तो आप ही, ये आपने बनाया क्यों, और वो अपन उसके सर्टिफिकेट लेकर चले गए। और तीसरा अपना एक और था कि एक बार मेरी जब तबीयत ख़राब हुई तो अपन एक डॉक्टर के अपने जो परिचित डॉक्टर थे जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, अपन उनके घर गए और उनको जाके अपने अपनी अपन बताया कि मेरी ऐसे ऐसे तबीयत ख़राब है, और जब उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हुआ है तो उन्होंने कहा कि आपको ब्रेन हिमरेज हो सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है और आपकी डेथ भी हो सकती है। और फिर जब उन्होंने अपना वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा तो उन्होंने पर्चे में कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी जिसको कि मतलब वो मतलब कोई आड़े में भी लिख दिया और सीधे में भी लिख दिया, और वो इंसिडेंस भी एक बहुत ही मज़ेदार था। फिर अपन एक बार अपनी यसडी को मॉडिफाई कर रहे थे, उसको सिंगल शॉकअप कर रहे थे, तो अपन शॉकअप बनवाने के लिए जब जहांगीराबाद गए तो वो जिस मैकेनिक को अपन समझा रहे थे कि इसको आप इस शॉकअप को इस तरीके से बनाइए, तब वो अपनी बात नहीं सुन रहा था और वो ये कह रहा था, वो अपन को चैलेंज कर रहा था वो कि मेरा इतना इतना एक्सपीरियंस है और मैंने ये किया, उसमें आप कितना भी लोड डाल दो इसको कुछ नहीं होगा। और वो जैसे ही उसने बनाया और उसको टेस्टिंग के लिए अपन गए तो वो फटाक से टूट गया, और फिर वो उसका चेहरा और वो सब बड़ा देखने लायक था। और एक और अपना, जब अपन नेट्रॉस टॉकीज के पास मोटरसाइकिल से रात को जा रहे थे तो एक काला सांड बीच में बैठा हुआ था और अपनी मोटरसाइकिल उसके ऊपर चढ़ गई और वो अपन दोनों को लेके और ऊपर से जब नीचे गिरा तो वो भी एक बड़ा मज़ेदार था। और एक वो नंबर आपको याद होगा 585-328 और वो रायता फैल जाना, और वो दिन को तो याद करके मतलब बस वो लाइफ मतलब दोबारा कभी अपन को नहीं मिल पाएगी, और ना ही वो दिन, बड़े बहुत ही मज़े के वो दिन थे। और रोज़ाना अपना कुछ ना कुछ एक नया कुछ भी हुआ करता था और अपन ने अपने लाइफ को कितना इन्जॉय किया। थैंक यू। हेलो संजय, हैप्पी बर्थडे टू यू। 50 साल कैसे हो गए?
देखते देखते समय पता नहीं चला। संजय, मेरी और तेरी दोस्ती कुछ 35 साल पुरानी है। हम क्लास 9th में थे तब से हमारी दोस्ती है। तेरे पास मिनी राजदूत गाड़ी हुआ करती थी, फिर गाड़ियों का शौकीन होने के कारण तू फिर तूने यजदी गाड़ी ली, उसको बड़ा एक हैंडल लगा के बनाया, और हमेशा तो मुझे बिठा करके ऐसे मिट्टी के ढेर के ऊपर चढ़ाता था, फिर वो गाड़ी स्लोप करके नीचे गिरती थी। वो सब मेमोरीज मुझे अभी भी याद है। फिर तूने 350 ली गाड़ी, उस पर भी तेरे ऐसे ही हाई टेक इनोवेटिव आइडियाज़ चलते रहे, और गाड़ी रोड पर तेज चलाना, पीछे बिठा करके डरते डरते तेरी कमर पकड़ के टाइट पकड़ करके बैठते थे हम लोग। और क्या बोलूँ तेरे बारे में, बहुत अच्छा एक दोस्त, एक मददगार दोस्त जिससे मैं सब शेयर कर सकता हूँ, अपनी पर्सनल बातें, पर्सनल नीड्स, पर्सनल ज़रूरतें, हमेशा इस वक्त ज़रूरत पे काम के लिए तू हमेशा रहा है साथ। और इस 50 साल पूरे होने पर मेरी तरफ से तेरे को बहुत हार्दिक बधाई, और तेरा बेटा और परिवार तेरे लिए ये सरप्राइजिंग 50 इयर्स का सेलिब्रेशन रख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और इसी तरीके से बिंदास जीते रहे, तू अपनी आदत और अपने अंदाज से जीने के लिए हम लोगों के बीच में काफ़ी एक अलग टाइप का व्यक्ति रहा है, अपना एक अंदाज, अपना एक स्टाइल, तुम वो बरकरार रख। चल मिलते हैं कल 27 तारीख को, पर्सनली तेरे को विश करने आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम संजय भाई, क्या हाल है सर? संजय भाई जो है वो मेरे बड़े भाई हैं, और संजय भाई से मेरी मुलाकात कहाँ हुई थी ये तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन लगभग 28-30 साल हो गए। 350 के सिलसिले में मिलना हुआ था, लेकिन वो 350 तो एक बहाना थी, बस ऊपर वाले को एक बड़ा भाई देना था उस बहाने। और संजय भाई जो हैं बहुत ही रॉयल आदमी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मोहब्बती और बाखलाक, और हर एक के सुख दुख में काम आने वाले, जितने भी लोग उनको जानने वाले हैं उनके लिए आगे से आगे खड़े रहते हैं। और मेरे लिए तो बड़े भाई से बढ़ के हैं, कभी भी कोई उलझन परेशानी होती है किसी भी तरह की तो मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ, तो जो भी मसला होता है उसमें वो फ़ौरन किसी ना किसी तरह उसका वो हल निकाल देते हैं। और वैसे भी कभी टेंशन में होता हूँ तो नॉर्मली उनसे बात कर लेता हूँ, तो मेरे सारे टेंशन वैसे ही कम हो जाते हैं। और संजय भाई, सुना आपकी बर्थडे आने वाली है, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आप जिए हज़ारों साल, और आपके साल के दिन हो 50,000, और आप हमेशा खुश रहें, मेरी तरफ से दुआएं हैं, और ऊपर वाला आपको सेहत और तंदुरुस्ती तक फरमाए, और घर वाले भी हमेशा खुश रहें, सभी बहुत अच्छे लोग हैं। मेरी संजय भाई की फैमिली समझ लीजिए कि मेरी फैमिली है, मतलब सभी बहुत मोहब्बती लोग हैं, और सब के लिए दिल से दुआएं कि सब हमेशा खुश रहें, संजय भाई ऊपर वाला खूब अच्छे से तो लंबी उम्र दे, और बस इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आ रहे हैं आपकी बर्थडे पे मुबारकबाद देने। हमारे अजीज दोस्त संजय भाई को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह करे वो हमेशा यूं ही खुश और तंदुरुस्त रहें, यही हमारी उनसे वो है। और बहुत अच्छे नेक दिल और बड़े हमदर्द किस्म के आदमी हैं। मेरे उनसे पहली मुलाकात हुई है गाड़ियों के सिलसिले में, तब से आज तक हम दोनों की दोस्ती बरकरार है, और उनके और मेरे बहुत सारे शौक मिलते जुलते रहेंगे, इसलिए मेरी उनसे बहुत ज़्यादा इंटीमेसी है, मोहब्बत है, और वो मेरे छोटे भाई की तरह हैं। भले मैं उनको संजय भाई बोलता हूँ, लेकिन हमारा और उनका ख्याल शौक मिलते जुलते हैं, इसलिए हम लोगों में कभी छोटे बड़े का फ़र्क नहीं है। और उनको भी वो पुरानी विंटेज गाड़ियों का शौक़ है, कुछ कुछ मुझे भी हैगा, ऐसे ही उनको खाने का भी शौक़ है, ख़ासकर नॉनवेज, तो वो हम लोग मिलजुल कर इंजॉय करते रहते हैं अपनी ज़िंदगी का, तो बहुत अच्छा रहता है उनके साथ रहना, उनके साथ टाइम गुजारना। और एक उनकी बात मुझे हमेशा याद आती है कि हमेशा तमाशा देखो, तमाशा बनो मत। तो उस पर भी अमल करता हूँ कभी। संजय भाई हैप्पी बर्थडे टू यू, आपके साथ मेरा दोस्ती का सफ़र लगभग 20 साल हो गए हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, और आगे भी साथ यूं ही गुजरेगा, हर पल आपके साथ खुशी से बीते, और आप खुश रहें, आपकी फैमिली खुश रहे, आपको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहें मेरे दोस्त, अल्लाह हाफिज़।
विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे संजय भाई. आई विश यू नथिंग बट द वेरी बेस्ट इन नेक्स्ट ईयर. ग्रेट हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन वॉट ऑल यू डू. आई एम रियली हैप्पी टू हैव फ्रेंड लाइक यू एंड एंजॉयड दैट टाइम एंड मेमोरी वी स्पेंड टुगेदर एट भोपाल, स्पेशली आवर गुड फूड. चीयर्स. हैव अ ग्रेट ईयर अहेड. गॉड ब्लेस. हेलो संजय भाई, कैसे हैं आप? आई थिंक अच्छे होंगे आप, क्योंकि आप शुरू से सदाबहार मस्त और एक नियम के पक्के इंसान रहे हैं. सब मैं आपको आपके 50वें जन्मदिन की बहुत सारी बधाई देता हूं, और उन्हीं लम्हों के साथ जो हमने पिछले 20 वर्षों में बिताए आपके साथ, उनके साथ मैं एक शायरी एक चाय की चुस्की के साथ आपको प्रसिद्ध करता हूं. एक मिनट. आज का दिन बड़ा शुभ आया है, लगता है आज के दिन कोई फरिश्ता आया है. वो कोई और नहीं आप हो, क्योंकि आज जन्मदिन आपका आया है. हैप्पी बर्थडे डियर. भगवान बुरी नजर से बचाए आपको, चांद सितारे से सजाए आपको. गम क्या होता है ये आप भूल ही जाओ, भगवान जिंदगी में इतना हंसाए आपको. बहुत बहुत धन्यवाद. मैं आपका मित्र अशोक पाठक आपको एक बार पुनः जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. हैप्पी बर्थडे संजय भैया. गॉड ब्लेस यू. योर 50th बर्थडे. वी बीन फ्रेंड्स फॉर 15 इयर्स नाउ एंड आई होप वी कंटिन्यू टू रिमेन फ्रेंड्स फॉर द नेक्स्ट 50 इयर्स. God bless you, all the very best. I'll let you in on a secret. It's even better after 50. God bless. Happy birthday. Hi Sanjay, wish you a happy birthday, and I wish that the future is very bright. You're a strong and brave person, and you've taught me so many things in my life. Whenever I have nervous breakdowns, I remember you. May God give you good health and happy life. Me, my family wish you a very very happy birthday. Live long. Thank you. संजय भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं. नए साल की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. हमारा ढेर सारा प्यार आपको. जय राम जी. सालगिरह की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद संजय भाई. आज का दिन जो है बहुत बड़ा आपके लिए जो है, सम तमाम अल्लाह पाक खुशियां जो है आपकी ज़िंदगी में भर दे. आज से जो है आपकी ज़िंदगी की तमाम तकलीफ़ों को दूर करे. आपका जो भी आपकी जो है जायज़ आपकी जो मुराद हैं, आपकी जो ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला उसको पूरी फरमाए और हमेशा आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें. यही दिल से दुआ है. Happy birthday dear Sanjay bhai. Happy birthday Sanjay bhaiya. जन्म दिवस की ढेर शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं. ऐसे ही आप सबका सहयोग करते रहें, समर्थन करते रहें, और आप एनर्जेटिक जैसे हैं वैसे बने रहें, हमेशा सबका साथ दें. और आपका जो वाक्पटुता है, जो आपका खरापन है व्यक्तित्व की, वो ऐसी बनी रहे. और सबके सहयोग करने का जो आपका जज्बा है, वैसे ही बने रहे. ईश्वर आपका सुखमय रखे, स्वस्थ रखे. जन्मदिवस की फिर से अगेन शुभकामनाएं. संजय भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई. संजय भैया, हैप्पी बर्थडे. अर्धशतक बनाने के लिए हार्दिक बधाइयां. संजय भाई को उनके जन्मदिन पे बहुत 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 बधाई. संजय भाई, पार्टी कब दे रहे हो? ओके.